हेलो एंड वेलकम टू मोनो मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम क्लास 1 ईवीएस चैप्टर 22 मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी, इसे एक्सप्लेन करूंगी और साथ में एक्सरसाइजेस भी करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बुक के प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 22 मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन। वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई डिफरेंट मींस। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट से, अलग अलग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से। वी वॉक और यूज ए बाईसाइकिल। हम पैदल भी चलते हैं या फिर बाईसाइकिल से भी चलते हैं। वी यूज ए तोंगा, ए स्कूटर, ए कार और बस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए हम तोंगा का यूज़ करते हैं, मींस बैलगाड़ी, ए स्कूटर और ए कार और बस। वी गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाय ए बस और ट्रेन। और एक शहर से दूसरी शहर जाने के लिए हम बस या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ए बुलॉक कार्ट इन विलेजेस। और गांव में हम बुलॉक कार्ट, जो बैलगाड़ी होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सम पीपल यूज ए बोट, स्टीमर और शिप टू क्रॉस ए रिवर, सी और ओशन। और लोग बोट, स्टीमर और शिप, जहाज का इस्तेमाल करते हैं नदी को पार करने, नदी या सागर को पार करने के लिए। सम पीपल यूज एन एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर टू रीच ए प्लेस वेरी क्विकली। और कुछ लोग बहुत जल्दी दूरी को तय करने के लिए एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हियर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट मूव ऑन लैंड, कंप्लीट देयर नेम्स। और नीचे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं जो कि जमीन पर चलते हैं, तो उसे हमें पूरा करना है। यहाँ पर देखिए, TNGTONGA तांगा। यहाँ पर है बाईसाइकिल का पिक्चर है, BICYCLE बाईसाइकिल। स्कूटर SCOOTER स्कूटर, इस तरह से लिखना है। यहाँ पर है CAR कार, TRAIN ट्रेन, BUS बस। Here are some means of transport that move on water. Complete their names. अब पानी में चलने वाले means of transport है, उनके नाम को हमें पूरा करना है। BOAT boat, STEAMER steamer, SHIP ship. Here are some means of transport that move on the air. Complete their names. Aeroplane, AEROPLANE aeroplane. Helicopter, HELICOPTER helicopter. Exercises. Write below the names of the means of transport. 4 for land, 2 for water and 2 for air. हमें यहाँ पर नीचे लैंड ट्रांसपोर्ट, 4 लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम लिखना है, जैसे कि बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट, 2 फॉर वाटर, 2 वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम लिखने हैं, जैसे कि शिप और बोट। एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। Write the names of, अब हमें लिखना है 2 fast means of transport, बहुत जो ट्रांसपोर्ट हमें बहुत जल्दी पहुंचाते हैं, ऐसे 2 ट्रांसपोर्ट के नाम लिखना है, जैसे कि हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। 2 slow means of transport, 2 बहुत ही धीमे चलने वाले
ट्रांसपोर्ट के नाम, जैसे कि तांगा एंड बाईसाइकिल, यहाँ पर तांगा और बाईसाइकिल लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुल्ड बाय एनिमल्स, दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखने हैं जिन्हें एनिमल खींचते हैं, जैसे कि तांगा एंड बुलक कार्ड। राइट द नेम्स ऑफ ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैविंग टू व्हील्स, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखे जिसके दो पहिए होते हैं, आप लिख सकते हैं स्कूटर, स्कूटर के दो पहिए होते हैं। ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैविंग फोर व्हील्स, और ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखे जिसका चार पहिए होते हैं, जैसे कि कार, आप यहाँ पर कार लिखिए। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन रेलवे ट्रैक, तो आप लिखिए यहाँ पर ट्रेन, आप यहाँ पर ट्रेन लिखिए। एक्टिविटी, पेस्ट टू पिक्चर्स ऑफ ईच, दो दो पिक्चर्स आपको चिपकाने हैं एक के। लैंड ट्रांसपोर्ट, आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के दो पिक्चर चिपकाने हैं, यहाँ पर दो पिक्चर चिपकाने हैं, एक आप कार चिपकाइए और आप बस भी चिपका सकते हैं, या कोई और भी स्कूटर बाईसाइकिल कोई भी लैंड ट्रांसपोर्ट, दो के पिक्चर आप यहाँ पर चिपका दीजिएगा। ठीक, अब वाटर ट्रांसपोर्ट, दो वाटर ट्रांसपोर्ट के पिक्चर आप यहाँ पर चिपका दीजिए, शिप और बोट। अब दो एयर ट्रांसपोर्ट, दो हवा में उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट के पिक्चर आप चिपकाइए, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मीनिंग को समझ लिया है और एक्सरसाइज को भी कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।